डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस होता है दोनों के साइज, है ना। और जो हमारे फ्लैजिला होते हैं वो जिस पॉइंट से ओरिजिनेट होते हैं उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसल बॉडी या काइनेटोकोर बोलते हैं, है ना। इन्हीं को कभी जब हम लोग, मैंने आपको एल्गी पढ़ाया था तो मैंने एक टर्म और बताया था कि दिस बेसल बॉडी और दिस काइनेटोसोम्स दे आर ऑल्सो नोन एज ब्लीफेरोप्लास्ट। तो इनके लिए हम एक टर्म और यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, ब्लीफेरोप्लास्ट, इन्हीं को बोलते हैं ब्लीफेरोप्लास्ट। तो ब्लीफेरोप्लास्ट एक रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है और उसी रूट लाइक स्ट्रक्चर से फ्लैजिला ओरिजिनेट। ब्लीफेरोप्लास्ट में एक और खास बात होती है कि देखिए सिलिया और फ्लैजिला में दो खास चीजें होती हैं। सिलिया जो होते हैं वो नंबर में बहुत ज्यादा होते हैं, दे आर न्यूमरस इन नंबर। तो सिलिया के नंबर थाउजेंड्स, दे मे बी थाउजेंड्स, दे मे बी लाइक 10,000 और मोर देन 10,000। फ्लैजिला में देयर कैन बी मैक्सिमम 4 फ्लैजिला इन ए सेल, सेल फ्लैजिला 4 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, है ना। और मैंने आपको पढ़ाया था कि फ्लैजिला दो तरह के होते हैं, एक टेंशन टाइप के होते हैं, एक विप्लैश टाइप के। जो लोग रहे होंगे जिन्होंने क्लास ज्वाइन की होगी, एलगी जिन्होंने में से पढ़ा हुआ है उनको याद होगा। अब देखो फ्लैजिला की, यहाँ पे हम लोग इसके स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं कि इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है। सो इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस रूट लाइक स्ट्रक्चर, व्हाट वी कॉल दैट रूट लाइक स्ट्रक्चर, बेसल बॉडी और ब्लीफेरोप्लास्ट। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि इस पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर एक मेम्ब्रेन है, ये एक्चुअली बायो मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है जो कि इसको कवर करके रखती है। इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ स्पोक जैसे स्ट्रक्चर है। यहाँ पर देखिए सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल है ना, इसको हम लोग इसके लिए टर्म यूज करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एक्जिनिमी बोलते हैं। तो एक्जिनिमी तो एक छोटा सा पाइप है, उस पाइप के बीच में जो दो पतले पतले पाइप पड़े हुए हैं, इन पाइप के लिए अपन एक टर्म यूज कर रहे हैं, वी कॉल देम एक्जिनिमी। एक्जिनिमी क्या होते हैं, माइक्रोट्यूबुल्स के बने होते हैं। अब माइक्रोट्यूबुल्स क्या होते हैं, माइक्रोट्यूबुल बहुत पतली पतली पाइप्स होती हैं और ये ट्यूबुलिन नाम की प्रोटीन की बनी होती है। इसकी बनी होती है ट्यूबुलिन प्रोटीन, तो ट्यूबुलिन नाम की एक मॉलिक्यूलर प्रोटीन होती है जिसकी ये मिलकर के बनी होती है। ट्यूबुलिन एक इस तरह से गोल गोल प्रोटीन होती है ना, ऐसी प्रोटीन से मिलकर के बनी हुई होती है। तो सेंटर में दो एक्जिनिमी पाई जाती है, मीन्स दो माइक्रोट्यूबुल के यहाँ पे स्पोक्स पाए जाते हैं और इनसे ये बाहर व्हील के जैसा एक स्ट्रक्चर बनता है। और आउटर आप देखेंगे, आउटर वाले पार्ट में यहाँ पर 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो यहाँ पर क्या होता है, दिस इज 2+9 का स्ट्रक्चर पाया जाता है। यहाँ पर 2 माइक्रोट्यूबुल सेंटर में होती हैं और इसके पेरिफेरल रीजन में 9 माइक्रोट्यूबुल्स के, लेकिन ये ड्यूप्लेट होते हैं, है ना। दो अलग अलग यहाँ पर हैं और ये ड्यूप्लेट होते हैं और इसके बाहर की चारों तरफ एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है। एंड दैट्स हाउ इट वर्क। वन मोर इंपॉर्टेंट, फ्लैजिला सिंगल है तो उसमें वेव लाइक मूवमेंट होता है। सिलिया जो होते हैं वो सिंक्रोनाइज मूवमेंट करते हैं, इधर दे मूव क्लॉकवाइज और दे मूव एंटी क्लॉकवाइज। तो या तो सभी सिलिया क्लॉकवाइज मूव करेंगे और या वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। सिलिया और फ्लैजिला का जो बेसिक स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर है दैट इज द सिमिलर, है ना। दोनों के स्ट्रक्चरल पार्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता, बट उनकी फंक्शनैलिटी में, दोनों का फंक्शनैलिटी भी ऑब्वियसली, दोनों का फंक्शनैलिटी क्या है, मूवमेंट है। लेकिन जैसे हमने देखा हुआ था कि पैरामीशियम में दे आल्सो हेल्प इन एनगल्फिंग ऑफ फूड, तो फूड लेने में भी हेल्प करते हैं, राइट। सो दीज आर द फंक्शन एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिलिया। इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? सबको समझ आया भाई? यस सर। अच्छा ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है ना, और फिर हम इसको नोट कर लेते हैं। तो हेडिंग डालेंगे सिलिया और फ्लैजिला। नोट करिए, फ्लैजिला आर लॉन्गर, दे आर हंड्रेड टू टू हंड्रेड माइक्रोमीटर इन लेंथ। फ्लैजिला आर लॉन्गर, दे आर हंड्रेड टू टू हंड्रेड माइक्रोमीटर इन लेंथ। There will be only 1 to 4 flagella per cell. There will be only 1 to 4 flagella per cell. Full stop. Many protists, algae. Sir, spermatozoa. From the starting. Many protists. Sir. हाँ जी. Sir, could you please start from the starting?
the first point was flagella are longer. Flagella are longer. They may be 100 to 200 micrometer. They may be 100 to 200 micrometer in length. And the next point is, there will be only 1 to 4 flagella. There will be only 1 to 4 flagella per cell. Full stop. They are found in protist. They are found in protist, algae, spermatozoa of animals and plant. Next point. Cilia are smaller in size. Cilia are smaller in size. They are 5 to 20 micrometer in length. They are 5 to 20 micrometer in length. Full stop. They are numerous in number. And they occur in group. They occur in group of ciliate protista. They occur in group of ciliate protista. They occur in group of ciliate protista, comma, respiratory tract of human being, comma, and found in oviduct, and found in oviduct of animals. Next point. Both of them help in locomotion and food intake. Both of them help in locomotion and food intake of organism. Okay. Next point. Both are made up of tubulin protein. Both of them made up of tubulin protein. And in flagella or cilia, the microtubules remains arranged in 9+2 form. Remains arranged in 9+2 form. Full stop. तो ये था हमारा सिलिया और फ्लैजिला. और हाँ, अब मैं आपको बताऊंगा
देखो कुछ स्पेशल टाइप के क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ये जो दो क्रोमोसोम है दे आर स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स और इनको हम लोग जॉइंट क्रोमोसोम भी कहते हैं, है ना। इनसे देखिए क्वेश्चन आपके स्कूल में तो पूछा जाता है, साथ में नीट के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो दो क्रोमोसोम है मैंने आपको लिखाया था, पॉलिटिन और लैम्ब्रोस क्रोमोसोम, ये दो स्पेशल टाइप के जो क्रोमोसोम है दे आर द लार्जेस्ट क्रोमोसोम, ऐसे सबसे बड़े क्रोमोसोम। तो पॉलिटिन और लैम्ब्रोस क्रोमोसोम होते क्या है वो हम लोग डिस्कस करते हैं, और देखता हूँ मेरे पास डायग्राम है कहीं पे तो मैं शेयर करता हूँ। चलो मैं ट्राई करता हूँ आपको देखना, एक मिनट दीजिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप क्लियर होना चाहिए कि कैसा होता है एक्चुअली। बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात, ये कोई बहुत टफ नहीं है, बट मतलब ध्यान से समझने का मतलब ये है कि आपको ये याद रखना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा एक डायग्राम, है ना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है ये हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं बाल्बियनी रिंग, है ना। तो यहाँ पर ये रिंग्स पाई जाती है, इनको हम बाल्बियनी रिंग्स कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इस पूरे क्रोमोसोम को पॉलीट्रिनिक क्रोमोसोम बोलते हैं। इसमें यहाँ पे इंटर बैंड पाए जाते हैं, डार्क बैंड व्हाइट बैंड, डार्क बैंड व्हाइट बैंड, और यहाँ पर बीच में कहीं कहीं पे क्रोमोसोम पफ बने होते हैं। क्रोमोसोम पफ क्या होते हैं? क्रोमोसोम पफ वो होते हैं जहां पर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, और ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन, मतलब डीएनए बनना और एमआरएनए के बनने की प्रोसेस चल रही होती है। ये एक जॉइंट क्रोमोसोम है, यहाँ पर आप देखेंगे ये इंटर बैंड है, और यहाँ पर ये जो टफ होते हैं इनको क्रोमोनिमेटा कहा जाता है, और यहाँ पर डार्क बैंड और व्हाइट बैंड पाए जाते हैं। और इस तरह के जो स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ पर ये पफ बने होते हैं, बीच बीच में जो स्ट्रक्चर होते हैं, इनको हम लोग बाल्बिनी रिंग कहते हैं।
ठीक है, स्ट्रक्चर को। और ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है ये पॉलीटिन क्रोमोसोम का डायग्राम, ठीक है। तो चलिए हेडिंग डालेंगे पॉलीटिन क्रोमोसोम। चलिए हेडिंग डालिए पॉलीटिन क्रोमोसोम। पॉलीटिन क्रोमोसोम वर फर्स्ट, पॉलीटिन क्रोमोसोम वर फर्स्ट रिपोर्टेड बाई, पॉलीटिन क्रोमोसोम वर फर्स्ट रिपोर्टेड बाई ई जी बाल्बियनी इन 1881। पॉलीटिन क्रोमोसोम वर फर्स्ट रिपोर्टेड बाई ई जी बाल्बियनी इन 1881। अगला जो मैं आपको पॉइंट लिखाने वाला हूं, ये पॉइंट नीट के एग्जाम में पहले से ऑलरेडी से पूछा हुआ क्वेश्चन, पूछा ये गया था इनको डिस्कवर कहां किया गया, तो नोट करेंगे। दे आर क्वाइट कॉमन एंड दे आर क्वाइट कॉमन इन सलाइवरी ग्लैंड ऑफ, दे आर क्वाइट कॉमन इन सलाइवरी ग्लैंड ऑफ इंसेक्ट, दे आर क्वाइट कॉमन इन सलाइवरी ग्लैंड ऑफ इंसेक्ट। Therefore, they are popularly called salivary chromosome. Therefore, they are popularly called salivary chromosome. Next point. The chromosome can reach a length of, chromosome can reach a length of 2000 micrometer and contain 1000 to 16000 times more DNA, and contain 1000 to 16000 times more DNA as compared to normal chromosome. Next point, they bear a swelling called chromosome puff. They bear swelling called chromosome puff. Full stop. इसी में लिखेंगे The larger swellings are called Balbiani ring. The larger swelling are called Balbiani rings. The larger swellings are called Balbiani rings. Next point. Formation of messenger RNA takes place in these rings. Formation of messenger RNA takes place in these rings. Clear है भाई? Clear to everyone? सर एक बार इसका पहले वाला पॉइंट बोल दीजिए एक बार। नोट कर लो। ये वाला ना, they bear a larger swelling,
नहीं सर, जो सबसे पहले बोला था, सबसे पहले जो बोला था कौन सा? सर डिस्कवरी वाला जो था। अच्छा ठीक है। दे वेर फर्स्ट रिपोर्टेड बाय ई जी बाल्बियानी इन 1881। ठीक है, तो ये था पॉलिकेशन क्रोमोसोम। आपको बनाने के लिए आए तो आप ये बनाइएगा। डार्क बैंड, राइट बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, क्रोमोसोम पफ, बाल्बियानी रिंग, बस इतना दिखाना, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। 3 मार्क्स में क्वेश्चन। क्लियर भाई सबको? बहुत बढ़िया। चलिए तो नेक्स्ट है लैम्ब्रोस क्रोमोसोम। अब मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि लैम्ब्रोस क्रोमोसोम कैसा होता है। जस्ट गिव मी वन सेकंड। तो लैम्ब्रोस कैसा होता है? अब देखो लैम्ब्रोस क्रोमोसोम वो लैम्ब्रोस की तरह होता है। लैम्ब्रोस क्या होता है कि वो आपने देखा होगा बॉटल को साफ करने के लिए, है ना, तो हम लोग कुछ ब्रश यूज करते हैं। ठीक है, तो उनको लैम्ब्रोस क्रोमोसोम, ये वैसे ही दिखाई देते हैं जैसे वो बॉटल साफ करने वाला ब्रश आता है और ऐसा दिखता है, इसीलिए इनका नाम लैम्ब्रोस पड़ा। तो ये है लैम्ब्रोस क्रोमोसोम। देखिए ये रहा लैम्ब्रोस क्रोमोसोम। अब देखिए ये जो लैम्ब्रोस क्रोमोसोम होता है, ये आपने देखा होगा वैसे ना, जैसे बोतल साफ करने के लिए एक ब्रश आता है जिसको अपन क्या करते हैं बोतल में डाल करके, और उसमें एक ऐसा स्टिक टाइप का होता है जो कि मेटल का बना होता है और उसके चारों तरफ ब्रशल्स निकले होते हैं, उसको एक्चुअली लैम्ब्रोस कहा जाता है। तो ये वैसा दिखाई देता है, इसलिए इसको हम लोग लैम्ब्रोस क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। अब देखो लैम्ब्रोस क्रोमोसोम में खास बात क्या है कि ये मतलब क्रोमोसोम में ये एक क्रोमोसोम है, दिस इज सिंगल क्रोमोसोम, है ना, और यहाँ पे इस क्रोमोसोम को थोड़ा सा एनलार्ज करके देते हैं तो बीज में यहाँ पे जो नॉट जैसे स्ट्रक्चर है, गांठ जैसे, इनको नॉट जैसे स्ट्रक्चर को इनको क्रोमोमियर बोलते हैं, और यहाँ पर ये जो बाहर की तरफ निकले इनको क्रोमेटिन लूप्स बोलते हैं। इनको और थोड़ा एनलार्ज करके देखा जाए, है ना, तो ये क्रोमेटिन लूप इस तरह के दिखाई देते हैं, तो इस तरह का दिखने वाला एक क्रोमोसोम होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, चलो नोट करो। फर्स्ट पॉइंट डालेंगे लैम्ब्रोस क्रोमोसोम, मैं लिख देता हूं LAMBH लैम्ब्रोस क्रोमोसोम। ये दो क्रोमोसोम एक्सेप्शनल क्रोमोसोम है क्योंकि ये बाकी नॉर्मल क्रोमोसोम से बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। नोट करेंगे, द लैम्ब्रोस क्रोमोसोम इज हाईली इलांगेटेड एंड ए स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम। लैम्ब्रोस क्रोमोसोम इज हाईली इलांगेटेड एंड ए स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम, ए स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम। It was first seen by Fleming in 1882. It was first seen by Fleming in 1882. Okay. Next point. These chromosomes are found, important है, star बना के लिखिएगा, नीट का question है। These chromosomes are found in animal oocyte, मतलब animal के egg में, animal oocyte। These chromosomes are found in animal oocyte, comma, spermatocyte, स्पर्मेटोसाइट
एनिमल ओसाइट, स्पर्मेटोसाइट एंड एंड द यूनिसेलुलर एल्गा एंड यूनिसेलुलर एल्गा एसिटा बुलेरिया। एंड इसका नाम याद रखिएगा, इस एल्गा को एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत यूज किया जाता है सेल बायोलॉजी में। एंड यूनिसेलुलर एल्गा एसिटा बुलेरिया। फुल स्टॉप। अगला पॉइंट स्टार बना के फिर से लिखेंगे। द लैम्ब्रोस क्रोमोसोम, द लैम्ब्रोस क्रोमोसोम आर लार्जर देन, द लैम्ब्रोस क्रोमोसोम आर द लार्जर देन इवन पॉलीटीन क्रोमोसोम। लैम्ब्रोस क्रोमोसोम आर लार्जर देन इवन पॉलीटीन क्रोमोसोम। Next point, the length of these chromosomes are 5900 micrometer. The length of this chromosome are 900 micrometer. That is almost three times larger than polyene chromosome. That is almost three times larger than polyene chromosomes. So guys, that's it. This is all about the cell biology. Or in case if you have any query, any problem, or any question regarding your cell biology syllabus, regarding this chapter, you can ask. कोई भी doubt हो बताइए इस chapter में, बताएं भाई, बोलिए भाई, किसी को कोई doubt इस chapter में? सर आपने last में क्या बोला, three times larger than? They are almost three times larger than polyene chromosome. क्लियर है सबको? चलो ग्रेट। अब देखो, तो हमने इस पूरी यूनिट में अभी तक जो पढ़ा, हमने सेल साइकिल पढ़ी और हमने सेल स्ट्रक्चर पढ़ा। आप इसको रिवीजन करते रहेंगे और द नेक्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू कवर बायोमोलिक्यूल, है ना? तो बायोमोलिक्यूल हम लोग स्टार्ट करते हैं। बायोमोलिक्यूल स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट है बायोमोलिक्यूल। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि आखिर बायोमोलिक्यूल है क्या। बायोमोलिक्यूल में बायोलॉजी के वो मॉलिक्यूल जो लाइफ का फॉर्मेशन करते हैं, है ना, या जिनको हम बायोलॉजी में मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। तो बायोलॉजी के जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उनको यहां पर हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। बायोलॉजी के मैक्रोमोलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं। अब वो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं क्या, मैं आपको एक वाइड पर्सपेक्टिव में पहले इसको समझा देता हूं कि व्हाट एग्जैक्टली बायोमोलिक्यूल्स आर। इसमें हम लोग पढ़ते हैं प्रोटीन के मॉलिक्यूल, इसमें हम लोग पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट। इस बायोमोलिक्यूल में हम लोग पढ़ते हैं क्या, फैट, यूं कहें लिपिड्स। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एंजाइम बायोमोलिक्यूल में, और इसी में हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड में दोनों आ जाएंगे, डीएनए आ जाएगा और आरएनए आ जाएगा। पूरे अर्थ में जितनी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ है वो इन्हीं माइक्रोमोलिक्यूल से मिलकर के बनी हुई है, इसी इनको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं, है ना? समझ में आया? तो नोट करेंगे, केमिकल्स और मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म
molecule present in living organism. Start again. Chemical or molecule present in living organism. Excuse me, sir. Haan ji. Sir, could you please repeat again because I got disconnected. Yeah, sure. So chemicals or molecule present in the living organism are known as biomolecule. ठीक है, आप जितने भी बायोमोलिक्यूल हैं, है ना, सभी, हाँ जी बताएं सर, द केमिकल्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द केमिकल और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज बायो मॉलिक्यूल. नेक्स्ट पॉइंट, the sum total of, अभी जितने भी बायोमोलिक्यूल हैं, तो मैंने आपको बताया कि ब्रॉडली यही चीजें होती हैं जिनको अपन बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं, और ये किसी भी ऑर्गेनिज्म में बेसिकली पाई जाती, कोई सा भी ऑर्गेनिज्म इन्हीं से मिलकर बना हो, चाहे वो क्यों ना वायरस हो जिसको हम ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में रखते ही नहीं, वो भी इसी से मिलकर के बना हुआ होगा, राइट. ये पूरे के पूरे बायोमोलिक्यूल ये सब पाए जाते हैं प्रोटोप्लाज्म, और इन्हीं सभी बायोमोलिक्यूल को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं, सेलुलर पूल कहते हैं. क्या बोलते हैं? सेलुलर पूल कहा जाता है. राइट, तो नोट करेंगे, द सम टोटल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल, different type of biomolecules called cellular pool. ठीक है, next, biomolecules, अब देखो biomolecules are of two type, inorganic. Inorganic and organic. Biomolecule कुल मिलाकर के दो तरह के होते हैं, ना, ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं. ठीक है, अब देखो यहाँ पर बायोमोलिक्यूल समझने से पहले हमें कुछ चीजें समझना बहुत जरूरी है, जैसे कि मैं बताता हूँ वो क्या हमें समझना जरूरी है, और जहां पे आपको ना समझ में आए आप मेरे को फ्रेंकली बोलिएगा. हालांकि आप सब केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री आपके सिलेबस में है, तो मेरे हिसाब से आपको समझ जाएगा, देयर इज नॉट लाइक डिफिकल्ट, बट स्टिल व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन. तो सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कुछ बॉन्ड, जैसे पेप्टाइड बॉन्ड क्या होते हैं, है ना. दूसरा एक और बॉन्ड है, तो जैसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स क्या होते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स, है ना. और तो समझते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स, ये बात पहले हम लोग समझते हैं, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे समझना. और उसके पहले कुछ और जो डेटा है वो मैं आपको बताना चाहूंगा. तो ह्यूमन बॉडी में कुछ चीजें आप लिख लीजिए, कुछ फैक्चुअल चीजें लिख लीजिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, बॉडी में, तो जब हम परसेंटेज वाइज बात करते हैं ना, तो यहां पर जो हाइड्रोजन ह्यूमन की बॉडी में 0.5%, है ना. तो बाय वेट, है ना, तो 5% हाइड्रोजन. कार्बन कितने परसेंट है, तो कार्बन की अगर हम लोग ह्यूमन बॉडी में बात करते हैं, दैट इज 18.5% कार्बन. ठीक है, अब अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करें,
तो ऑक्सीजन ह्यूमन की बॉडी में कितना है? ऑक्सीजन ह्यूमन की बॉडी में है 65%, ठीक है। और नाइट्रोजन की हम लोग बात करें, नाइट्रोजन ह्यूमन की बॉडी में दैट इज 3%, या रेदर 3.3%। और ये जो मेजर चीजें हैं जो ह्यूमन की बॉडी में पाई जाती है, बाकी तो बहुत सारी चीजें पाई जाती है, जैसे कि इसके बाद पर सल्फर भी पाया जाता है ना, तो सल्फर का भी कुछ अमाउंट पाया जाता है और बाकी बहुत सारी चीजें पाई जाती है। ये मेजर चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, कितने कितने पोर्शन की पाई जाती है, ये बात आप एक बार ध्यान में रखें, ठीक है। और एक और चीज है ना, यहाँ पर दो चीजें, बायोमोलिक्यूल दो तरह के हो सकते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल और माइक्रोमोलिक्यूल, है ना। तो यहाँ पर बायोमोलिक्यूल है, बायो मॉलिक्यूल्स में यहाँ पर हम लोग दो तरह, मैंने कहा ये दो कैटेगरी के, दे आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि डीएनए मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल, और दूसरे होते हैं माइक्रोमोलिक्यूल। तो आपको भी पता है माइक्रो का मतलब होता है छोटा, माइक्रो मॉलिक्यूल्स। तो पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, मैक्रो मॉलिक्यूल की बात है। तो देखो मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, तो मैक्रो मॉलिक्यूल वो होते हैं कि जिनका साइज बड़ा होता है ना। तो देखो इनका यूजुअली साइज होता है, तो यूजुअली जिनका साइज होता है, तो यूजुअली दे आर साइज इज more than 10,000 Dalton, तो 10,000 Dalton से बड़े हुए हो, है ना। इनको हम लोग बायो, एक्सेप्ट इनमें कौन से होते हैं, एक्सेप्ट लिपिड। एक्चुअली लिपिड का साइज तो बड़ा होता है लेकिन उसकी डेंसिटी कम होने की वजह से उसका वेट कम होता है, इसलिए लिपिड कंफ्यूजिंग है, वो माइक्रो में रखा जाए या माइक्रो में रखा जाए। तो वैसे हम लोग नॉर्मली लिपिड को मैक्रो मॉलिक्यूल्स में नहीं रखते, इन्हें माइक्रो मॉलिक्यूल्स पे रखा है। तो नोट करेंगे माइक्रो मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर लार्जर देन, सॉरी एक बार रिपीट करिए, मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर लार्जर देन यूजुअली 10,000 Dalton in weight, except lipid. So 10,000 Dalton and above, except lipid. They have low solubility and complex structure, full stop। अगला point underline करेंगे, they are always organic। Next point, micromolecules are small size simple chemical, micromolecules are small size simple chemical and They are highly soluble and have simple structure. ठीक है, तो ये थे हमारे मैक्रोमोलिक्यूल। हम साइज के बेसिस पे भी इनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। Could you please switch to the previous slide? हाँ जी। सर क्या आप प्रीवियस स्लाइड दिखा सकते हैं एक बार? ये वाली? Yes sir।
नोट कर लीजिए, फिर आगे मैं बताता हूँ, फिर मैं आपको बता देता हूँ पेप्टाइड बॉन्ड्स क्या होते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स क्या होते हैं, ये तीन चीजें हमें समझनी चाहिए। और हालांकि ये बॉन्ड आप समझते रहिएगा, जो मैं न्यूक्लियोटाइड के बारे में यहाँ पे बताऊंगा बायोमोलिक्यूल में उसको आप ध्यान से समझिएगा। रीजन क्या है कि क्लास ट्वेल्थ में जब आप मेरे साथ पढ़ रहे होंगे तो वहां पर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पूरा यही है, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, अभी आप समझ लेंगे तो ट्वेल्थ में हमारे लिए बेहतर होगा। और उस जेनेटिक्स का तो वेटेज ही बहुत ज्यादा है पूरे बायोलॉजी में, पूरे नीट के एग्जाम में, पूरे इलेवन ट्वेल्थ के एग्जाम में सबसे ज्यादा वेटेज ही जेनेटिक्स, तो ये जेनेटिक्स का बेसिस है। चलिए तो हाँ जी, So, nitrogen is present in 33% or 3.3%? 3.3%, 3.3%. 65 oxygen ही है. Thank you, sir. So, oxygen, carbon, nitrogen और फिर hydrogen, ये sequence है. ठीक है, चलिए अब मैं आपको जो bonds बताने वाला था, पहले मैं आपको bonds दिखा दूं जरा, देखते हैं ये आप कहाँ पढ़ोगे. ये वो ये कॉमन चीज है एक्चुअली सेल बायोलॉजी की भी और पेप्टाइड बॉन्ड्स, पेप्टाइड बॉन्ड्स बायो एक सेकंड लीजिए, मैं आपको अभी दिखाता हूँ पेप्टाइड बॉन्ड क्या होते हैं। इधर गए अभी, ये है ना जेनेटिक डिसऑर्डर, बायोमोलिक्यूल, चलो फिर देखो पेप्टाइड बॉन्ड्स क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, तो मैं आपको बेसिक चीजें बता देता हूँ। हालांकि मैं प्रोटीन तो आपको प्रोटीन लिपिड सब पढ़ूंगा, पूरी पढ़ूंगा, देख समझिएगा। तो यहाँ पर पहले हम लोग बात समझते हैं जो इम्पोर्टेंट है, कि मेरी बात को थोड़ा गौर से समझिएगा, जिसको नहीं समझ में आया बताइएगा, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा, बट ऐसे हाँ जबरदस्ती नहीं भूलिएगा। देखो तो क्या होता है, हम एक बायोमोलिक्यूल पढ़ने वाले हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन जिससे मिलकर बना होता है, तो प्रोटीन एक्चुअली क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन। अभी पॉलीपेप्टाइड चेन क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन इज मेड अप ऑफ एमिनो एसिड, है ना। तो पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है ये एमिनो एसिड से मिलकर के बनती है, मेरी बात को आप गौर से समझ। तो क्या होता है, कुछ एमिनो एसिड, अब एमिनो एसिड क्या है भाई, एमिनो एसिड इस तरह से बने हुए कुछ मॉलिक्यूल, इस तरह से बने हुए मॉलिक्यूल, तो एमिनो एसिड एक इस तरह से कुछ मॉलिक्यूल। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये सब मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं कि आपस में एक साथ एक चेन में आ जाते हैं। तो ये इस तरह के मॉलिक्यूल मिल करके एक चेन का फॉर्मेशन, तो जब एमिनो एसिड आपस में मिल करके चेन का फॉर्मेशन करते हैं, और इस चेन में यहाँ पर, 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 इन सब एमिनो एसिड के बीच में यहाँ पर ये यह आपस में जब जुड़ते हैं तो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इस बॉन्ड को हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड, क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। और जब ये पॉलीपेप्टाइड चेन है ना, जब इस तरह की चेन जब ये इस तरह से फोल्ड हो जाती है, एक पर्टिकुलर पैटर्न में फोल्ड हो जाती है, तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड होकर के प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है। इसकी फोल्डिंग से ही इसको करेक्टरिस्टिक मिलती है,
इसकी फोल्डिंग ये डिसाइड करेगी कि आखिर इस पॉलीपेप्टाइड चेन को करना क्या है। तो फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड चेन को हम लोग प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन किससे मिलकर बना है? पॉलीपेप्टाइड चेन से। पॉलीपेप्टाइड चेन किससे मिलकर बनी है? एमिनो एसिड से। और दो एमिनो एसिड को जोड़ने वाला जो बॉन्ड होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? पेप्टाइड। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब देखिए ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है सामने, बहुत गौर से समझिएगा, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, और एकदम आराम से पढ़िए, है ना। बायोमोलिक्यूल ये बहुत कंफ्यूजिंग है, ये बच्चों को बिल्कुल नहीं समझ में आता स्कूल में, लेकिन आप बिल्कुल आराम से समझिए ताकि आपको बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल क्लियर हो जाए, कहीं तो कोई दिक्कत ना। ठीक है, समझते बात। अब देखिए ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो ये मिलकर बनी है एमिनो, ये एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या है? एक ये एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड, और ये एमिनो एसिड का दूसरा फॉर्मूला है, ये दोनों एमिनो एसिड के फॉर्मूले, तो दो एमिनो एसिड। अब देखिए एमिनो एसिड में एक तरफ यहां पर क्या लगा हुआ होता है? ये लगा हुआ होता है NH2 ग्रुप लगा होता है, ये H3N जो लिखा हुआ है NH2 ग्रुप लगा होता है, इसको हम लोग एमाइड ग्रुप कहते हैं। क्या बोलते हैं? आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसको एमाइड ग्रुप कहते हैं। ये यहां पर जो R लिखा, R का मतलब होता है कार्बन की एक लंबी सी चैन, और इसे हम लोग एल्किल ग्रुप कहते हैं। क्या बोलते हैं? एल्किल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, और आखिरी में क्या लगा होता है? COO, है ना। तो यहां पर ये जो फॉर्मूला होता है एमिनो एसिड का, ये एक्चुअली ऐसा होता है NH2, है ना, ये R CO, NH2 और ये R COO, है ना। तो NH2 R CO ये इसका फॉर्मूला होता है किसका? ये वाला एमाइड ग्रुप हो जाता है, और ये होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब आप देखिए यहां पर एक का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक का एमाइड ग्रुप, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ आते हैं। जब ये एक दूसरे के साथ में आते हैं तो होता क्या है कि यहां पर आप देखेंगे कि H2O निकल जाता है, तो यहां से एक वाटर और यहां से क्या होता है? दो हाइड्रोजन, ये निकल जाता है। तो यहां पर जब बनता है तो H2O निकल जाता है। जब ये H2O निकल जाता है तो क्या होता है? देखिए इस वाले कार्बन, है ना, इस वाले कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाता है, इस बॉन्ड को हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड। तो जब भी दो एमिनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो वाटर रिमूव होता है, ठीक है ना। तो ये कैसी रिएक्शन है? इसमें डिहाइड्रेशन होता है। तो दो एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के पास में आते हैं, सामने आते हैं। जब दोनों एक दूसरे के साथ में आते हैं तो एक एमिनो एसिड का एमाइड ग्रुप और दूसरे एमिनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप, है ना। देखो यहां पर एक एमिनो एसिड का ये वाले एमिनो एसिड का क्या? एमाइड ग्रुप, और ये वाले एमिनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये दोनों आमने सामने आते हैं, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है जिससे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्म। तो दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बताओ? यस सर। क्लियर है ना भाई सबको? ऊपर और बता दीजिए। चलो फिर से बता देते हैं, देखो और इजी करके मैं बताता हूँ, है ना। ये थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा मजेदार नहीं मुझे लग रहा है ना। देखो मैं बताता हूँ कैसे, इसको थोड़ा सा और इजी किया जाए, बायोलॉजी की तरह पढ़ा जाए, थोड़ा केमिस्ट्री की तरह ज्यादा हो गया, है ना। तो रुको मैं ये सब हटा देता हूँ, ये वाला हटा दिया, ये तो लग रहा है ना नीचे वाला, है ना। अब देखो यहां पर क्या है, NH2, तो मैंने बताया नीचे वाला जो फॉर्मूला है वो किसका है? एमिनो एसिड का। तो एक एमिनो एसिड हमारा क्या हुआ? NH2 R COOH, और एक यहां पे H, तो ठीक है ना। एक ये एमिनो एसिड हो गया, और दूसरा एमिनो एसिड इसी के पास में आया, दूसरा वाला एमिनो एसिड। तो दूसरा वाला जब एमिनो एसिड आएगा तो ऐसे कर दिया जाए, NH2 को ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है? बोलो दो एमिनो एसिड हो गए कि नहीं हो गए, बोलो। किसी को कोई डाउट? दो एमिनो एसिड हो गए ना, है ना। अब देखो, अब मैं ये कह रहा हूं कि दोनों एमिनो एसिड जब जुड़ते हैं तो क्या होता है कि इस वाले का हाइड्रोजन ले लिया,
किस वाले का, इसका हाइड्रोजन ले लिया और इसका हाइड्रोक्सी ले लिया, तो क्या मिलके क्या बनाएंगे, H2O निकल जाएगा। यस सर, निकल जाएगा ना। अब देखो क्या बचा है, ये NH बचा और ये बचा है ना, तो अब क्या होगा, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो मैंने कहा कि जब दो एमिनो एसिड आपस में एक दूसरे के पास में आते हैं तो वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। तो अब देखो इसमें ये वाला जो एमिनो एसिड था, इधर वाला एमिनो एसिड, इसका कौन सा ग्रुप इन्वॉल्व हुआ, एमाइड ग्रुप इन्वॉल्व हुआ कि नहीं हुआ बताओ, और इसका कौन सा ग्रुप इन्वॉल्व हुआ, कार्बोक्सिलिक, बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो दो एमिनो एसिड एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, एक एमिनो एसिड का एमाइड ग्रुप, दूसरे का कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दोनों कॉन्टेक्ट में आते हैं, एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है और दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो देखो क्या हुआ, ऐसे बन गया, ऊपर वाले से देखते हैं ना, कॉपी करते हैं ना, NH2, ये तो ऐसे ही रहा, ये R ऐसे ही रहेगा एल्किल ग्रुप, ठीक है, नीचे ये H ऐसे ही रहेगा। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर ये C है, अब C और O, तो O ऊपर चला गया, डबल बॉन्ड, क्लियर है ना भाई, क्या हुआ, yes, sir. N, ठीक है, NH, NH, C, R, H, CO, H, तो ये नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बना, आप इसको क्या बोलोगे, क्या बोलेंगे भाई इस बॉन्ड को, पेप्टाइड बॉन्ड, यही तो मैं कह रहा था, बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है, नहीं क्लियर होगा मैं फिर समझाऊं, समझ आ गया, यस सर, सबको क्रिस्टल क्लियर है, इसका ले लो स्क्रीनशॉट और इसको ड्रॉ कर लेना कि पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, किसी को डाउट बताइए, एकदम क्लियर हो गया है ना, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है, तो नोट करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड टेक्स प्लेस between two amino acids. Formation of peptide bond takes place between two amino acids. ठीक है, तो दो एमिनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन है ना। चलो अब आगे हम लोग बात करते हैं ग्लाइक, तो पेप्टाइड बॉन्ड में किसी को कोई डाउट नहीं ना, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड टेक्स प्लेस बिटवीन टू एमिनो एसिड एंड रिमूवल ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल during the bond formation. चलिए तो ये हो गया पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्म। अब देखो मैं आगे आपको बताता हूं दूसरी चीज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं कि वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स कैसे बनते हैं। तो जैसे एमिनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, वैसे शुगर के बीच में हमेशा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो देखो दो शुगर के बीच में ग्लाइकोसिडिक कैसे बनते हैं ये बात हम लोग समझ लें। देखो भाई समझो भाई, तो दो शुगर के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। अब देखो यहां पर क्या है, ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स है ना, दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, एक ये और ये है ना, दोनों को हम मोनोसैकेराइड कहते हैं। तो दो शुगर के मॉलिक्यूल्स, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिए, ये शुगर के मॉलिक्यूल है मतलब ग्लूकोज के। अब क्या होता है, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में एक यहां से हाइड्रोजन ले लिया और इसका ले लिया हाइड्रोक्स, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे, नहीं बनाएंगे क्या, बोलो बनाएंगे नहीं बनाएंगे, H2O बनाएंगे ना,
है ना, देखो यहाँ पर ये इसका हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन H2 बनाएंगे और दोनों के बीच में यहाँ पे बॉन्ड बन गया, तो दो सुगर के बीच में जो बॉन्ड बना उसमें भी वाटर का मॉलिक्यूल निकला जैसे पेप्टाइड बॉन्ड में निकला हुआ था, और इस तरह के बॉन्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। तो मोनोसैकेराइड मींस वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ये भी मोनोसैकेराइड है, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, डाइसैकेराइड बनाते हैं। तो ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर क्या बनाते हैं, माल्टोज बनाते हैं, समझ गया ना। क्या फिर से बता दो? यस सर। अच्छा ठीक है, देखो यहां पर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, देखो 6 कार्बन से बना हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5 and 6 है ना, देखो 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, यहां से 1 पड़ा हुआ है ना, तो 6 मॉलिक्यूल हो गए, तो ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हो गया, एक डी ग्लूकोज इसको बोलते हैं ना, तो जिसको ग्लूकोन डी आप बोलते हो, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हो गया, एक ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हो गया, दोनों ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आप साथ एक दूसरे के साथ आते हैं। एक ग्लूकोज का हाइड्रोजन, देखो इसका हाइड्रोजन हमने ले लिया, इस वाले ग्लूकोज का हाइड्रोक्सिल, इसका हाइड्रोक्सिल ले लिया, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल दोनों के मिल गए, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, H2O। अब यहां से H निकल गया, यहां से OH निकल गया, तो दोनों के बीच में क्या बचा, सिर्फ ऑक्सीजन बचा, तो ऑक्सीजन दोनों के बीच में बॉन्ड बना लेता है, इस बॉन्ड को हम लोग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब भी ग्लूकोज ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनते हैं तो ग्लूकोज ग्लूकोज मिलके क्या बनाएगा, माल्टोज बनाएगा। तो दो ग्लूक, तो एक माल्टोज किससे बना होता है, दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है। दोनों ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के बीच में, या यूं कहूं कि दोनों शुगर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। इज इट क्लियर? अभी क्लियर है? यस सर। सर हम इसे डी ग्लूकोज क्यों कहते हैं? एक्चुअली ये डेक्स्ट्रो मॉडल है इसका, डेक्स ट्रो रोटेटरी मॉडल, इसलिए इसको ग्लूकोज डी बोलते हैं, है ना। और दूसरा आपने पढ़ा होगा ना डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लिवो रोटेटरी, ऐसे पढ़ा होगा, बाकी केमिस्ट्री वाले सर ज्यादा बताएंगे ना। तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी मॉडल है, मतलब स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको ग्लूकोज डी है, डी ग्लूकोज। लेकिन आपको उतना डीप नहीं जाना यहाँ पे बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में तो आपको डीप जाना पड़ेगा, यहाँ पे इतना आपको डीप नहीं जाना। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये समझना है कि दो अगर शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं, कोई से भी दो शुगर के मॉलिक्यूल आपस में आसपास आते हैं, तो उन दोनों के बीच में क्या होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और जब भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा तब एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। मतलब ये कैसी रिएक्शन है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन है जिसमें से वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। इज इट क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और इसको आप नोट जरूर कीजिएगा। ये जितने भी मैं आपको ये बता रहा हूँ बॉन्ड्स, इनको जरूर पढ़िएगा, ये हमें 12th तक मदद करेंगे। और ये आपको सिर्फ बायो, ये बायोमोलिक्यूल में ही नहीं, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे जेनेटिक्स में। मैं इनको इलाबरेट करके इतना स्पेसिफिक वे में इतना क्लियरली इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिकॉज यू नीड इट ड्यूरिंग द लाइक योर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, राइट, है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स आर प्रोड्यूस्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द रिमूवल ऑफ, बाय द रिमूवल ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल, बाय द रिमूवल ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल। हेंस वी कैन से, हेंस वी कैन से it is a dehydration reaction, hence we can say it is a dehydration reaction, full stop. It is always formed between two sugar molecule. It is always formed between two sugar molecule. ठीक है ना। तो sugar के जो molecules होंगे, जितने भी molecule होंगे, उन सभी दो sugar के molecules के बीच में glycosidic bond होगा, दो amino acid के molecules के बीच में क्या बनेगा, peptide bond बनेगा। तो चाहे peptide bond बने चाहे glycosidic bond बने, दोनों ही bond के बनने में water का molecule release होता है। मतलब दोनों ही बॉन्ड के बनने की प्रोसेस को अपन क्या कह सकते हैं, वी कैन कॉल इट डिहाइड्रेशन रिएक्शन।
बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। तो मैंने आपको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना दिया, बता दिया, और आपको मैंने पेप्टाइड बॉन्ड बना दिया। जस्ट वेट, गिव मी वन सेकंड। ठीक है, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट। देखो मैं आपको अभी एक बॉन्ड और बताऊंगा, लेकिन ये अभी नहीं बताऊंगा। ये बॉन्ड मैं आपको बनाऊंगा, क्या बोलते हैं, जब मैं आपको न्यूक्लिक एसिड पढ़ाऊंगा, है ना। ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स होते हैं, तो ये मैं बॉन्ड आपको तब बताऊंगा। ठीक है, तो फिर अपन स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा बायोमोलिक्यूल जिसको अपन क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। जस्ट एक सेकंड लीजिए, मैं आपके क्रॉस चेक करता रहता हूँ, सीक्वेंस वही रहेगा। कल से आपकी तो वैसे आप चलो किसी के सीक्वेंस को बरकरार रखते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें दिया क्या गया है, सबसे पहले हमें दिया गया प्रोटीन, है ना। अपन भी वहीं से स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे एनसीईआरटी में जिस सीक्वेंस में दिया गया, विल फॉलो द सेम सीक्वेंस व्हिच हैव बीन मेंशनड इन एनसीईआरटी, राइट। सो इससे हमें थोड़ी सी क्लैरिटी बनी रहेगी और आपके लिए भी कन्वीनियंट रहेगा, आपको लगेगा हम कितना पढ़ सकते कैसे पढ़ते हैं। प्रोटीन के साथ में स्टार्ट करते हैं। तो प्रोटीन किससे मिलकर के बना होता है, चलो स्टार्ट करो। प्रोटीन तो मैंने अभी आपको बताया कि प्रोटीन मिलके बना होता है, तो हमने अभी पढ़ा कि प्रोटीन मिलके बना होता है पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन। और मैंने आपको ये बताया कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, इट इज मेड अप ऑफ एमिनो एसिड। तो पॉलीपेप्टाइड चेन एमिनो एसिड्स होते हैं, और एमिनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड पाए जाते हैं, तो मैंने आपको बताया कि जब दो अमीनो एसिड होते हैं, दो एमिनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड पाए जाते हैं, इनको अपन बोलते हैं पेप्टाइड। तो ये बात, ये कहानी आपको समझ में आ गई है ना, इन्हें पेप्टाइड। चलो तो नोट करिए, प्रोटीन, प्रोटीन आर द लार्जर साइज्ड मैक्रो मॉलिक्यूल। सर प्रोटीन आर, प्रोटीन्स आर द लार्जर साइज्ड मैक्रो मॉलिक्यूल, प्रोटीन्स आर द लार्जर साइज्ड मैक्रो मॉलिक्यूल हैविंग, प्रोटीन्स आर द लार्जर साइज्ड मैक्रो मॉलिक्यूल having one or more than one having polypeptide chain. Proteins are the larger size proteins are the larger sized macromolecule having one or more than one polypeptide chain amino acid, full stop. Next point, the term protein and polypeptide, the term protein or polypeptide are often synonymous to each other. The term often synonymous to each other. Full stop. Means क्या है कि ये interchangeable term है. Means अगर आप किसी protein को polypeptide chain बोलो या किसी polypeptide chain को protein बोलो,
सो देयर इज नो डिफरेंस है ना, यू कैन से सो बोथ आर इंटरचेंजेबल टर्म राइट. नेक्स्ट पॉइंट, अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड मस्ट बी, बहुत इंपॉर्टेंट है, अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड मस्ट बी at least 50 amino acid, a single polypeptide must be at least 50 amino acid long in order to qualify a single polypeptide must be at least 50 amino acid long in order to qualify the term protein. तो अपन किसी एमिनो एसिड चैन को या पॉलीपेप्टाइड चैन को कब उसको प्रोटीन कहा जा सकता है, तो ये अर्थ है कि अगर किसी भी एमिनो एसिड की चैन में और वी कैन से किसी भी पॉलीपेप्टाइड चैन में 50 एमिनो एसिड मिनिमम होने चाहिए, तब अपन उस पॉलीपेप्टाइड चेन को प्रोटीन का दर्जा देंगे या प्रोटीन की कैटेगरी में रखेंगे. इन केस इफ एनी पॉलीपेप्टाइड चेन डू नॉट हैव 50 एमिनो एसिड, सो वी विल कॉल इट पॉलीपेप्टाइड चेन बट वी वोंट यूज द टर्म प्रोटीन फॉर द सेम. क्लियर? ठीक है. यस. नेक्स्ट पॉइंट, दे आर द मोस्ट अबंडेंट, दे आर the most abundant and most varied, they are the most abundant and most varied of the macromolecule. They constitute 50%, they constitute 50% of their dry weight. They constitute the 50% dry weight of cell. They constitute 50% weight of the cell. They constitute 50% dry weight of the cell. तो जितना भी सेल का ड्राई वेट होता है उसका 50% जो होता है वो यही कॉन्स्टिट्यूट करती है, मतलब प्रोटीन से ही मिलकर के बना हुआ होता है. राइट. नेक्स्ट पॉइंट, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैव सिमिलर प्रोटीन. तो ये बात तो मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि जो स्पीसीज क्लोजली रिलेटेड होती हैं, एक दूसरे से क्लोज होती हैं, तो मतलब यूं कहें कि हमारी स्पीसीज और चिंपांजी की स्पीसीज, अगर हम आप प्रोटीन मैच कराएं चिंपांजी से तो ज्यादा सिमिलर होगी रेदर देन अगर हम आप किसी हॉर्स या बुफेलो से मैच कराएं. राइट. क्योंकि हमारी स्पीसीज सिमिलर टाइप की स्पीसीज है, तो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैव सिमिलर टाइप ऑफ प्रोटीन while distinct relative species have different type of protein. Okay. Next point. In a polypeptide, chain, there may be different type of arrangement of protein.
अगला जो मैं पॉइंट आपको नोट करा रहा हूँ, ये नीट का ऑलरेडी कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप इसको नोट करके अलग से लिखिए, चाहे स्टार बना के लिखिए, जैसा आपकी मर्जी हो तो नोट कीजिए, ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हालांकि ये पुराना क्वेश्चन है और कई बार ज्यादा बार पूछा गया, चांसेस कम है, बट मे बी ऐसा हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि नीट पे 10% क्वेश्चंस वो होते हैं जो रिपीट हो जाते हैं, किसे पिटे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप याद जरूर रखें, नोट करेंगे। कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ एनिमल वर्ल्ड, कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ एनिमल वर्ल्ड, स्टॉप। नेक्स्ट रूबिस्को इज द नॉट ओनली, रूबिस्को इज द नॉट ओनली मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, रूबिस्को इज द नॉट ओनली मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, But it is Rubisco is not only the most abundant protein in plant. Rubisco is the not only most abundant protein of plant, but also the whole biosphere. तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस पूरी अर्थ में, पूरे बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी, आपका आंसर होगा रूबिस्को। अगर पूछा जाए कि मोस्ट अबंडेंट एनिमल प्रोटीन कौन सा है, आंसर होगा कोलेजन। अगर पूछा जाए मोस्ट अबंडेंट प्लांट प्रोटीन कौन सा है, तो आंसर होगा रूबिस्को। अब आप में से कौन मुझे ये बताएगा कि रूबिस्को क्या चीज है, देखते हैं कौन इंटेलिजेंट बच्चा बताएगा, एनी वन ऑफ यू, रूबिस्को क्या चीज है, बस मुझे इतना बता दो। भाई लोगों, रूबिस्को क्या है, रुबुलोज बाई फॉस्फेट को एंजाइम इसको कहते हैं। तो कुल मिलाकर के रूबिस्को क्या है, रूबिस्को इज अ टाइप ऑफ एंजाइम, क्या है, टाइप ऑफ एंजाइम विच इज फाउंड इन प्लांट, रूबिस्को इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन विच इज फाउंड इन प्लांट, है ना। तो रूबिस्को एक प्रोटीन जो कि प्लांट में पाया जाता है, और ये क्या है, इट्स अ टाइप ऑफ एंजाइम जो कि एंजाइमेटिक रिएक्शंस को, है ना, कैरी ऑन करता है, है ना, एंजाइमेटिक रिएक्शंस इससे होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोटीन, है ना, प्राइमरीज। अच्छा, प्रोटीन तीन कैटेगरी में होती है, तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे वी कैन से प्रोटीन इज ऑफ थ्री टाइप, है ना। तो प्रोटीन जो होती है, प्रोटीन के तीन तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, है ना, प्राइमरी स्ट्रक्चर, हालांकि बहुत सारी जगह चार स्ट्रक्चर मेंशन है, ना, चार टाइप। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, है ना, फिर टर्शरी स्ट्रक्चर, एंड समटाइम इट इज क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, है ना, समटाइम इट इज क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। तो कई बार क्या होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी, चार तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो इस तरह से प्रोटीन के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ठीक है, है ना। और अभी इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या होता है, क्वार्टरी क्या होता है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि ये डिटेल में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्शियरी क्या होता है। अब बताइए, किसी को अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें कोई डाउट, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम? नो सर। पक्का है ना, तो यही तक रखते हैं, और तीनों चारों स्ट्रक्चर, हाँ जी बताइए। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर हमेशा नहीं होता क्या? ना ना ना, बहुत कम होता है। जैसे हमारा जो हीमोग्लोबिन है ना, तो हीमोग्लोबिन दो चीज से मिलकर बना है, हीम मींस आयरन ग्रुप एंड ग्लोबुलिन प्रोटीन। वो जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है वो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होता है, और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत रेयर पाया जाता है, बहुत कम पाया जाता है। हीमोग्लोबिन उनमें से एक एग्जांपल है, मैं आपको बताऊंगा ये, है ना। और इनका कोई डायग्राम नहीं होता हालांकि, लेकिन आपके एनसीईआरटी में नहीं भी है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वार्टरनरी, आपको बताऊंगा। स्ट्रक्चर जैसे ही दिखते हैं,
हाँ ये बिल्कुल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है, मतलब अजीब सा स्ट्रक्चर होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है ना, तो ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है, तो वैसा दिखाई देता है, राइट? यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, है ना, और इसके आगे कंटिन्यू रखेंगे और तीनों स्ट्रक्चर बताऊंगा, फिर आप नेक्स्ट पे हम लोग मूव करेंगे, मतलब नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा पॉलीसेक्राइड है, मतलब शुगर पढ़ेंगे, शुगर पढ़ेंगे, ठीक है, राइट? यस सर। ठीक है, तो सी यू गाइस, बाय बाय, गुड नाइट।